विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। नौ मांगों को लेकर जनपद की चारों तहसीलों पर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अमरोहा से खबर, भाजपा के खिलाफ रालोद का विरोध प्रदर्शन। माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देशानुसार 28 अगस्त को राष्ट्रीय लोकदल किसान क्रांति दिवस के रूप में मना रहा है और आज प्रत्येक तहसील पर राष्ट्रीय लोकदल ने धनोरा, अमरोहा, नौगांवा सादात और हसनपुर चारों तहसील पर धरना प्रदर्शन करके नौ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। जो किसानों की विभिन्न मांगे हैं उन मांगों को लेकर हम सब ने धरना प्रदर्शन किया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, लगातार किसानों और युवाओं का शोषण करने का काम कर रही है। ना तो युवाओं के लिए इनके पास कोई रोजगार है और ना ही किसानों की फसलों का वाजिब दाम। हमने इन्हीं सब विषयों को लेकर, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, किसानों के ट्यूबवेल की बिजली फ्री होनी चाहिए, किसानों का जो बकाया मूल्य भुगतान है गन्ने का वो तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए, मैं ब्याज के उन्हें, और ऐसे ही नौ सूत्रीय ज्ञापन हमने आज एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के नाम सौंपा है। उनकी घोषणाएं हवा हवाई हैं, जमीनी स्तर पर कोई उनकी घोषणा अमली जामा नहीं पहनती है। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज सारे किसान यहाँ मौजूद हैं और गन्ने का एक रुपया दाम उन्होंने नहीं बढ़ाया है। अभी जो केंद्र सरकार ने कुछ दाम बढ़ाया है, 5 पैसे पर किलो दाम उन्होंने बढ़ाया है। ऊँट के मुँह में जीरा। देखो, किसान आंदोलन जब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाएगा, तो आज भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, वो पूर्ण रूप से अहंकार में भरी हुई है। और जब साथियों को ये अहंकार में आ जाता है तो ये साथी जो किसान और युवा हैं ये पूरी तरीके से उनके अहंकार को चकनाचूर करने का काम करेंगे और प्रदेश में माननीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनाने का काम करेंगे, जो किसानों की सरकार हो, जो युवाओं की सरकार हो। और अगली खबर, राय